नमः संस्कृताय। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। तो आइए जानते हैं से ताउ ते इति एतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इति एतेभ्य इनसे उचित सर्वनाम पद सुनकर रिक्त स्थान भरिए। इन तीनों में से एक चुनना, एक हमें चुनना, किसके स्थान पर? इसके स्थान पर। अस्व पुलिंग है, एक वचन है, पहचान कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, यहां पर जैसे मैंने लिख दिया, यहां पर जनय है एक वचन, जनाऊ द्विवचन और जनाह बहुवचन। जो शब्द इसकी तरह है वो एक वचन है, इसकी तरह वो द्विवचन है और इसकी तरह है वो बहुवचन है। ये जन शब्द है, कर्ता कारक की लाइन है, तो इसको देखना आपको, ठीक है? तो जन है ये, क्या जैसे अश्व है, जन है क्या है, एक वचन है, प्रथम पुरुष है, तो एक वचन है, तो एक वचन के स्थान पर हम से यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे? से धावती, ऐसे यूज करें। क्रिया को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि कहा गया कि उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित सर्वनाम पद चुनकर रिक्त स्थान भरी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, यहां पर अश्व धावती घोड़ा दौड़ता है, यहां पर सह धावती वह दौड़ता है। तो घोड़े के स्थान पर हमने सह यूज किया, किस आधार पर? कि अश्व एक वचन, ठीक है, जने की तरह। नेक्स्ट देखिए गजाहा, तो देखिए जनाह बहुवचन है, ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन, तो गजाहा बहुवचन है, तो ये से एक वचन, तव द्विवचन और ते बहुवचन, ठीक है। तो यहां पर गजा के स्थान पर बहुवचन यूज करेंगे हम, क्या? ते और चलंती, ते चलंती, ठीक है, ते चलंती। हाथी चलते हैं, ते चलंती वे चलते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए इनकी मीनिंग लिख देता हूं, से मीन्स वह और तव मीन्स वे दोनों और ते मीन्स वे सब, समझ में आ गए। अब देखिए आगे लिखा हुआ है छात्रो जनऊ द्विवचन है, छात्रो द्विवचन है, तो यहां पर द्विवचन का यूज किया गया, तो द्विवचन का शब्द क्या लेंगे हम? तव, तो छात्रों के स्थान पर क्या लिखेंगे? तव पठते, तव पठते यूज करेंगे। दो छात्र पढ़ते हैं, तव पठते वे दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। आगे है वानरा जना, वानरा जना बहुवचन है, तो बंदर क्रीडंती खेलते हैं, तो यहां पर वानरा की जगह क्या यूज करेंगे? ते, क्योंकि बहुवचन है ते और वानरा भी बहुवचन है, ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन यूज करेंगे, ते किरडंती, ते किरडंती इस प्रकार से यूज करेंगे, वानरा किरडंती, ते किरडंती। गायक है गायती, गायक है जन है, एक वचन है, तो यहां पर एक वचन यूज करेंगे हम से, से गायती, ठीक है। अब ये समझ गए होंगे आप, इसको रफ कर देता हूं। अब आगे देखिए मयूराह किसकी तरह है? जना की तरह। देखो एक वचन ऊपर लिख देता हूं, जने है एक वचन, जनव द्विवचन और जना बहुवचन, ठीक है। तो मयूराह जना की तरह है, बहुवचन है, तो बहुवचन क्या लिखेंगे? ते, ते नृत्यंती, ते नृत्यंती यूज करेंगे। मयूरा मोर नृत्यंती नाचते हैं, ते नृत्यंती वे सब नाचते। जना बहुवचन यही आ गया, गच्छंती लोग जाते हैं, तो जना के स्थान पर क्या यूज करेंगे? ते, तो लिखेंगे ते गच्छंती, ते गच्छंती यूज करेंगे। बालका लिखंती वही जना, बालका बहुवचन है, तो बालका की जगह क्या यूज करेंगे? ते
लिखन्ति, ते लिखन्ति यूज करें। फिर नेक्स्ट है मोहने वदति, मोहने एक वचन है तो से यूज करेंगे, से है वदति, से है वदति, से वदति का मतलब वह बोलता है, मोहने वदति मोहन बोलता है। आगे है श्यामे एक वचन है, रक्षति भी एक वचन है, तो श्यामे की जगह एक वचन यूज करेंगे से, तो लिखेंगे यहां पर से है रक्षति, वह रक्षा करता है, से रक्षति वह रक्षा करता है। एक बार फिर देखेंगे, अश्वे धावती घोड़ा दौड़ता है, से धावती वह दौड़ता है, घोड़े के स्थान पर से का यूज करेंगे, ठीक है एक वचन है। गजा चलंती हाथी चलते हैं, ते चलंती वे सब चलते हैं। छात्रों पढ़ते हैं, दो छात्र पढ़ते हैं, तौ पढ़ते वे दोनों पढ़ते हैं। वानराह क्रीडंती बंदर खेलते हैं, ते क्रीडंती वे सब खेलते हैं। गायक है गायती गायक गाता है, से गायती वह गाता है। मयूरा नृत्यंती मोर नाचते हैं, ते नृत्यंती वे सब नाचते हैं। जना गच्छंती लोग जाते हैं, ते गच्छंती वे सब जाते हैं। बालका लिखंती बालक लिखते हैं, ते लिखंती वे सब लिखते हैं। मोहने वदति मोहन बोलता है, से वदति वह बोलता है। श्यामे रक्षति श्याम रक्षा करता है, से रक्षति वह रक्षा करता है। तो दोस्तों ये प्रारंभिक क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। धन्यवाद।